As Chief Justice of Pakistan. As Chief Justice of Pakistan. I will discharge my duties. I will discharge my duties. And perform my functions. And perform my functions. Honestly. Honestly. To the best of my abilities. To the best of my abilities. जस्टिस याह्या अफरीदी मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस बन गए। अहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ, सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आमद, अहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट अमले ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। जस्टिस याह्या अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट, काजी फैज ईसा की जगह जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम अपडेट कर दिया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का पहला इंतजामी हुक्म, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस कमेटी के सरबराह जस्टिस मंसूर रुकन होंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इससे कबल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। ज़राए के मुताबिक 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस पर आम करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस सालिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। समात में राजदारी बरती जाएगी। अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। कैमरों समेत दीगर आलात की खरीदारी का जायजा लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना है कि वो पाकिस्तान के आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाए। ये भी यकीनी बनाए गए कि रियासत के तीनों सतोनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की हल्फबरदारी की तकरीब जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिस साहिबान ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अदम शिरकत, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शिरकत, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद अजहर हसन रेसवी भी तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी हल्फबरदारी के मौके पर मौजूद थे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान भी तकरीब में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। मुलाकात नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर हुई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में मुल्की सियासी सूरतहाल, अमन अमान समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के माबैन मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के शेर दिल जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। SCO की कामयाबी और मुआशी इकतसादी सूरतहाल पर भी बातचीत हुई। संगजानी पुलिस कैदी बैंक पर हमला केस, 86 मुलजिमान का दो रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का जख्मी मुलजिमान के मेडिकल मुआयने के बाद रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों की बाजियाबी के लिए दरखास्त भी दायर कर दी। हमले की फुटेज में नामालूम अफराद पथराव करते कैदी बेंच पर हमला करते देखे जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 82 मुलजिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। बैरिस्टर साहब का कहना है कि ड्रामाबाजियों में कारकुनान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार जाली हुकूमत होगी। जाली हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। वाकई की शफाफ तहकीकात के नतीजे में जाली हुकूमत को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। मुतलका हुकाम 4 हफ्ते में दोबारा इम्तिहान लें। अदालत ने MD कैट में मुबैना बेजाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अलाउद्दीन पन्हौर ने रिमार्क्स देते हुए कहा, जो बच्चे इम्तिहान में बैठे हैं उनके साथ कोई खेल न खेला जाए।
हम बच्चों के सर पर तलवार तो नहीं लटकने दे सकते, जो ताकतवर लोग हैं उनके हाथों में आप लोग खेल रहे हैं। AKU और दीगर यूनिवर्सिटियों पर आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं, आप लोगों का इख्तियार सिर्फ गरीब पर चलता है। अगर PMD से इस्तीफा दे तो फिर बात अलग हो जाएगी, अगर दोबारा इम्तिहान लिया जाए तो फिर इसके लिए क्या हिकमत अमली दरकार होगी। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज और दीगर से जवाब तलब। आयद नून लीग नवाज शरीफ एक रोजा दुबई में क्याम के बाद आज लंदन रवाना होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तैयारा बरतानवी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे हिथरो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुस्लिम नून बरतानिया के अहदेदार अपने कायद का वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। बानी PTI की ना अहली और इंट्रा पार्टी समेत दीगर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत 1 नवंबर को होगी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI ने ना अहली और पार्टी अहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। हालिया जो आईनी तरमीम हुई है, जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हो हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक्तदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ की क्यादत में फलते फूलते और तरक्की करते पाकिस्तान को ट्रैक से हटाया गया। हम अपना अगला कदम G20 में रखने वाले ही थे कि हुकूमत को हटा दिया गया। साकिब निसार ने मुंतखब हुकूमत को निकालने में अहम किरदार अदा किया। तरक्की करते हुए पाकिस्तान को इन्होंने डिफॉल्ट के करीब पहुंचाया। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया है, अब मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम को कलदम करार देने की इस्तेदा। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया। पार्लियामान अदलिया की आजादी के खिलाफ तरमीम नहीं कर सकती। अदलिया की आजादी आईन के बुनियादी ढांचे का जुज। पार्लियामान के अदालती अमूर में मुदाखलत अदलिया की आजादी और इंसाफ की फरहमी को मुतासर करती है। मुझे चीफ जस्टिस की अलबर्दारी में आते हुए खुशी हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा नए चीफ जस्टिस मेरे सूबे के हैं, उनकी तकरीब अलबर्दारी में आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह तस्लीम कर चुके तो हम भी मानते हैं। पुलिस वैन पर हमला किया, क्या वैन में मौजूद कैदियों के लिए रिश्तेदार करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस वैन का दरवाजा पुलिस ने खोल कर कहा हो चले जाओ? इस वैन में मौजूद कोई भी वहां से नहीं भागा। बुशरा बीबी ने PTI की क़यादत से मुलाकातें शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब से मुलाकात में सवालों की बौछार कर दी। पूछा बानी PTI के केसेस के बारे में आगाह किया जाए, लीगल टीम क्या कर रही है, पार्टी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। बानी PTI के मुसलसल कहने पर मौसर एहतजाज क्यों नहीं हुआ? बानी PTI जो हुक्म देते हैं उस पर बाहर आकर अमल क्यों नहीं होता? जैन कुरैशी PTI डिप्टी पार्लिमानी लीडर के अहदे से मुस्ताफी, कहा PTI का हिस्सा था और रहूंगा। शोका नोटिस का बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई। पंजाब भर में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। पंजाब में चावल की पैदावार में इजाफा मुतवक्के। $1 अरब एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार की हिदायत। कहा पैदावार में इजाफे के लिए जदीद तरीकेकार इख्तियार किया जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत मुख्तलिफ महकमों का मुश्तरका इजलास। शरजील मेमन की वज़ीर-ए-आला सिंध को प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। सूबाई वजीर ने कहा येलो लाइन BRT प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत चलाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध की येलो लाइन की जायजा रिपोर्ट नवंबर 2024 में मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ्फुज के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। ADP के सदर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से वाशिंगटन में मुलाकात।
वजारत खजाना का कहना है एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा। वजीर खजाना ने पॉलिसी बेस लोन की मंजूरी के लिए एडीपी की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत में एडीपी की शराकत को सराहा।